आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पाइस एंड चटनी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा, क्योंकि बारिश के मौसम में शायद ही कोई होगा जिसको समोसा खाना पसंद ना हो। आज मैंने कोशिश की है कि मैं समोसा बनाने की सारी टेक्निक शेयर करूँ, ताकि आप सभी लोग बढ़िया से बढ़िया हाइजीनिक समोसा घर पर बना पाओ। तो फिर देर किस बात की है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 कप मैदा लेनी है, और इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और 1/4 कप घी डाल करके अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाए। जब इसको दबाएंगे तो लड्डू जैसे बनने लग जाएं। देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि समोसे का डो जो होता है वो हार्ड यानी कि सख्त होता है। आटे को अच्छे से मलमल कर इसको स्मूथ करना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा और समोसे खस्ता नहीं बन पाएंगे। अब इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। 1/2 घंटा रेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें ग्लूटेन अच्छे से एक्टिव हो जाए। चलिए अब स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने आलू को पहले ही बॉईल कर लिया है और इनको छील लिया है। अब इन आलू को हम मैशर से मैश करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर रखें इसका, नहीं तो आप चाहें तो स्मूथ भी कर सकते हैं, क्योंकि भूनेंगे तो इसका दरदरा टेक्सचर अपने आप आ जाएगा। अब एक इमाम दस्ते में मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां, 6 से 7 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल करके दरदरा कूट लिया है। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें 1 चम्मच भरकर जीरा डालेंगे। जीरा जब तड़कने लग जाएगा तब इसमें हाथ से मलकर साबुत धनिया डालेंगे। हाथ से मलने से वो टूट जाएगी। इसके बाद इसमें जो हमने टेक्सचर वाला पेस्ट बनाया था, दरदरा टेक्सचर वाला, उसको ऐड कर देंगे और फ्रोजन मटर डाल करके थोड़ी देर सौते करेंगे, क्योंकि फ्रोजन मटर बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए बहुत जल्दी ये पक जाएगी। अब इसमें थोड़े से ड्राई इन्ग्रीडियंट यानी कि मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल करके हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसके बाद इसमें अब हम आलू ऐड करेंगे। इसमें आमचूर भी 1 चम्मच डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमचूर डालने से खट्टापन आता है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को डाल करके अच्छे से जो ये मसाले हमने भुने हैं मिक्स करेंगे, जब तक कि आलू में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और आलू भी मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए हमें भूनना होगा। इसके बाद इसमें हरा धनिया हम स्प्रिंकल कर देंगे। हरा धनिया अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हमारा आटा भी तैयार हो गया। 1/2 घंटा इसको रेस्ट पे रख दिया था, इसको थोड़ी देर और मलेंगे ताकि और अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। अब इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, और जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से इसको हम बेलेंगे। इसकी थिकनेस रोटी के ही बराबर होगी, ज़्यादा पतला हम इसको नहीं करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ इस तरीके से इसको बेलना है। मैं मिनी समोसे बना रही हूँ इसलिए लोई मैंने छोटी छोटी ली है। आप अगर बड़े समोसे बनाना चाहो तो लोई में आटा थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। बस इतनी बड़ी ही रोटी हमें इसकी बेलनी है। अब इसको हम समोसे बनाएंगे, ट्राइंगल शेप देनी है, तो इसको बीच से हम 1/2 कर देंगे और 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। चलिए समोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अंदर का चौड़ा वाला हिस्सा है उसका कोना पकड़ करके हम वो एक तरफ रख देंगे, जैसे मैं रख रही हूँ, और उस कोने पर हम पानी लगाएंगे और दूसरा कोना उसके ऊपर रख देंगे। अब हमारा ये कोन बन जाएगा। इस कोन के अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे। अच्छे से दबा दबा करके स्टफिंग भर दीजिए, ताकि समोसा पूरा कम अंदर से भर जाए। अब इसमें पानी हम चारों तरफ से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए, ना तो हमारी स्टफिंग बाहर निकल पाए और ना ही इसमें तेल जा पाए। इस तरीके से अच्छे से दबाना बहुत जरूरी है। इस तरीके से करके फिर से देखिए एक बार समोसा बनाकर मैं आपको बता रही हूँ। एक कॉर्नर पकड़ के ऐसे रख देंगे, ऊपर से पानी लगा देंगे, दूसरे कॉर्नर को उस पर रख देंगे। इस तरीके से ये हमारा कोन बन जाता है। इसमें स्टफिंग भर देंगे, दबा देंगे अंदर की तरफ, थोड़ा सा पानी लगा के इसको हम सील कर देंगे। अगर आप बड़े समोसे बनाएंगे तो उसमें 1 प्लेट डालनी आपको पड़ेगी, छोटे समोसे में प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से हम सारे समोसे बनाते जाएंगे। तेल को मैंने पहले ही गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल को पहले मीडियम आंच में हम रखेंगे। इसके बाद इसमें 1 छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लेंगे
कि तेल हमारा ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं तो समोसे हमारे जल जाएंगे। अब हम इसमें समोसे डाल देंगे मीडियम आंच पे। थोड़ी देर के लिए हम मीडियम आंच रखेंगे और तेल को समोसे के ऊपर डालते रहेंगे ताकि सभी जगह से बराबर सेकेंगे। इनको कई बार उलट पलट कर हमें सेकना है। जब ये एक दो बार उलट पलट लेंगे तब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे और कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसको सेकते रहेंगे हम लो फ्लेम पर, जिससे हमारे समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। इस तरीके से इनको उलट पलट कर बार बार हम सेकते रहेंगे जब तक कि इसमें सुनहरा ब्राउन कलर नहीं आ जाता या गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस तरीके से देखिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है गोल्डन कलर आना, अभी और अच्छे से कलर इनमें गोल्डन आ जाएगा। बार बार इनको उलटते पलटते रहेंगे। उलटना पलटना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैदा हमारी अंदर तक अच्छे से सिक जाए, कच्ची ना रहे हमारी मैदा अंदर से। देखिए अब हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब इनको हम तेल से निकाल लेंगे। अब चलिए हम समोसों को सर्व करते हैं। मैं आपको एक समोसा तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे समोसे हमारे सिके हुए हैं। समोसों को सर्व कर लेंगे अब हम। आप चाहें तो चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।